एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पास्ता को बॉईल कर लिया है, 200 ग्राम चिकन लिया है, इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लिया है, 3 टेबलस्पून मैदा चाहिए, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके इसको बारीक काट लिया है, 1/2 टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक या फिर टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टी स्पून ऑरिगेनो, 4 टेबल स्पून बटर, 1/2 टी स्पून गार्लिक पिसा हुआ और 1/2 टी स्पून कुटी ही लाल मिर्च चाहिए, 2 कप दूध चाहिए और चीज़ चाहिए। वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 टी स्पून के बराबर ऑयल ले लिया है। अब 1 टेबल स्पून इसमें बटर डाल देंगे, बटर को थोड़ा मेल्ट करेंगे। बटर हमारा ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें चॉप गार्लिक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको सॉटे कर लेंगे। गार्लिक को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लिया, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और उसी दरमियान में चिकन हमारा गल भी जाएगा क्योंकि ये बहुत पतला कटा हुआ है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च के साथ में हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च। वो तकरीबन 1 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। पास्ते के लिए व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले अब हम व्हाइट सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने बटर डाल दिया, बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। इसमें लम्स ना पड़े इसको हम बिस्किट से ही मिक्स करेंगे। मैदा डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मैदे की रॉ स्मेल चली जाए। तो मैंने तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम लम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है लो रखा हुआ है और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसकी थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। सॉस हमारा थिक होना स्टार्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। मैं 2 स्लाइस ऐड कर रही हूँ, चीज़ के मैंने 2 स्लाइस इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन और शिमला मिर्च डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसमें पास्ता मिक्स कर देंगे। पास्ता डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑरिगेनो भी डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।